हेलो व्यूअर्स, ये एक नोटिफिकेशन वीडियो है रिगार्डिंग ओ लेवल के एडमिट कार्ड्स के बारे में। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे लगातार इंक्वायर कर रहे थे बिकॉज जुलाई में उन सभी का ओ लेवल का पेपर है। तो आपको बता दें कि ओ लेवल के एडमिट कार्ड्स आ गए हैं। आप student.nlit.in पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को सबसे पहले ये साइट ओपन करनी है student.nlit.in, और ये रही साइट। और सब नंबर सिक्स, आपको अपनी साइट पे जाने के बाद, अगर आप लोग इंस्टीट्यूट की तरफ से भर रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज इंस्टीट्यूट वाले अपना खुद ही डाउनलोड करके देंगे। लेकिन जो कैंडिडेट डायरेक्ट हैं, आप अपना कैंडिडेट पर यहाँ जाइए, आपने जो अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, और साथ ही साथ आप लोगों को नीचे दिया गया कैप्चा फिल करना है और उसके बाद लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करते ही आपके सामने आप लोगों का पोर्टल ऑन हो जाएगा, और पोर्टल ऑन होने के बाद अब आप लोगों को कुछ नहीं, अपने पोर्टल पे जाकर देखना है, आप लोगों को ये एडमिट कार्ड्स के डिटेल मिल जाएंगे। टाइम टेबल है, नीचे एडमिट कार्ड्स दिए गए हैं, आप लोग अपने एडमिट कार्ड्स के लिए अपने एडमिट कार्ड वाले पोर्शन पर क्लिक करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने इस वाले पोर्शन पर क्लिक कर दिया, और जैसे ही हमने इसे क्लिक किया हमारा एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। एडमिट कार्ड को थोड़ा सा देख लीजिए, ये क्या क्या है कह रहा है। एडमिट कार्ड में आप लोगों ने किस कौन सा पेपर भरा था, देखिए दो शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, एक सुबह 9:30 बजे का है, एक 2 बजे का है। अब इस कैंडिडेट का पेपर 2 बजे से है, और आप लोगों को ये पेपर जो है उस पेपर में आप लोगों का ये M1 M2 है, M1 वाला ये है, M2 ये है, M3 ये है, और M4 ये है। ये ऑप्शनल पेपर है जो आप लोगों ने भरा था। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ICT वाला लीजिएगा ऑप्शन, क्योंकि उसके सारे नोट्स भी हैं मेरे पास, ये बन रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने वीडियोज़ भी उसी पर बात करेंगे। नेक्स्ट चीज़, आप लोगों का मीडियम, कौन सा मीडियम आप लोगों ने भरा था वो यहाँ पे दिखाई देगा, आपका रोल नंबर भी आ जाएगा, आप लोगों को ये ज़रूरत पड़ेगी। ये इसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और इसके साथ अपनी ID, या फिर यूँ कहिए कि इसके साथ एक ID भी लेके जाइएगा, और आप लोगों को इसी पर एक यूँ कहिए कि रजिस्ट्रेशन कार्ड भी मिलेगा जो कि यहाँ पर दिया गया है। इस रजिस्ट्रेशन कार्ड का भी आप लोग एक प्रिंट निकाल लीजिएगा, इसको आप शुरुआत से ही रखिएगा। जिन लोगों ने अभी फर्स्ट पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं उनको पता होगा कि ये ओ लेवल का ID कार्ड इशू करता है, ये 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है जो कि यहाँ से दिखाई दे रहा है आप लोगों को। और इसको पूरा का पूरा लैमिनेट करा लीजिएगा, इसका प्रिंट करके यहाँ से फोल्ड कर लीजिए और इसको लैमिनेट करा के अपने पास रख लीजिए, और ये हमेशा काम आएगा। तो ये हमेशा लेके जाइएगा, क्योंकि आपको आई कार्ड वहाँ पर बार बार मांगेंगे वो लोग। और इसमें एक चीज़ और आ रही है कि आप लोगों का लिख कर आ रहा है कि आपका जो फॉर्म है वो लॉक हो गया है, लेकिन आपको एप्लीकेशन सेंड करनी है NLIT सेंटर को। लेकिन ये अभी अपडेट हो गया है, अब ये एप्लीकेशन सेंड नहीं करनी होती है, ना ही आप लोगों को वहाँ भेजना होता है। इस पर मैंने कंसेंटेड वीडियोस बना के आपको दे दिया है, मैंने ईमेल किया था और वहाँ से उन्होंने मेरे को इन्फॉर्म किया है, तो वो सारा कुछ आप लोगों को पिछले वीडियोस में मिल जाएगा। तो अब आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए बहुत ज़ोर शोर से। साथ ही साथ आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैंने इसमें बहुत सारे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करने शुरू कर दिए हैं। आप लोग चैनल में आ जाइए, YouTube चैनल सर्च कर लीजिए, YouTube चैनल में आप लोग ओ लेवल के नाम से ढूंढ लीजिए। अगर ओ लेवल नहीं मिल रहा तो ओ लेवल तो मिल ही जाएगा, आप मेरे नाम से डायरेक्ट पहुँच सकते हैं, तो मेरे नाम से सर्च कर लीजिए। और उसके बाद जैसे ही आप चैनल के अंदर लॉगिन करेंगे, आपको चैनल में ओ लेवल का ये पूरा एक अलग से मिल जाएगा, एक तरह से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही तो आप लोग जाकर यहाँ से प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए और ओ लेवल की प्लेलिस्ट ओपन करा लीजिए। अब इस ओ लेवल की प्लेलिस्ट में आप लोगों को ये 45 वीडियोस यहाँ से दिखेंगे, आपको ये सारे एक एक करके देखने हैं। इसमें देखिए पहले IT टूल्स के हैं, और उसके बाद फिर मैंने बीच बीच में थोड़ा सा अपडेशन भी किया है, और बीच बीच में आप लोगों को इंटरनेट प्रोग्रामिंग्स के भी मिलेंगे, और जो साथ ही साथ मैंने इसमें ICT के भी कुछ वीडियोस डाले हैं। जो वीडियोस खासकर जो मैंने अभी लास्ट 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व किए हैं वो सब इसमें आपको अवेलेबल मिलेंगे, लेकिन कुछ वीडियोस आपको फ्री वाले ही दिखाई देंगे इसमें। जो पेड वीडियोस हैं ये नहीं दिखाई देंगे डायरेक्ट आपको। पेड वीडियोस के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको एक किट परचेज़ करनी होगी जो IT टूल्स की 200 रुपीज़ की है, और वो पूरे के पूरे ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने एक आप लोगों को सैम्पल पेपर भी दिया हुआ है, मैं आपको अलग से दिखा भी देता हूँ कि क्या क्या है उसमें। आप लोगों ने, जिन लोगों ने किट्स ख़रीदा है तो उनको पता होगा कि हम लोग किट्स में ये पेड वीडियोस भी देते हैं। ये पेड वीडियोस थोड़े बड़े हैं, आधे आधे घंटे के आसपास हैं, और इसमें हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, काफ़ी अच्छा और डिटेल में है। आपको सजेस्ट करेंगे जो IT टूल्स का जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं वो ज़रूर इसको लें, ये 200 रुपीज़ की कॉस्ट का है, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दूसरी चीज़ है, मैंने इसमें आपको इंटरनेट प्रोग्रामिंग के भी जो मैंने हैं कुछ वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, आपको वो भी मिल जाएंगे इसमें। अभी उनको पेड नहीं किया है बिकॉज़ अभी वो पूरे नहीं हुए हैं, इसीलिए
इसलिए वो सभी के लिए अभी फ्री अवेलेबल है। और आपको इसके साथ पीडीएफ भी मिलता है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और मैंने एक बुक भी आप लोगों को बुक किया, कई सारे नोट्स हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जल्द से जल्द कोशिश करें, और जो बीच में अभी टाइम बच रहा है 4-5 दिन का, मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सेकेंड पेपर मैं जल्द से जल्द फिनिश कर दूँ, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएँ इसमें। तो आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और साथ ही साथ एक चीज़ और आपको बता दें कि ओ लेवल में आप लोगों के 2 पार्ट में पेपर होते हैं। आपको अच्छे ढंग से पता है कि पहला पार्ट जो होता है वो होता है आप लोगों का पार्ट फर्स्ट, जो कि पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होता है। आप लोगों को बता दें कि इसमें 40 नंबर्स में मिनिमम 20 तो आपको लाने ही लाने हैं। सेकेंड पार्ट सब्जेक्टिव होता है, जो कि 60 नंबर का होता है, और इसके लिए मिनिमम 30 तो आपको लेने ही लेने हैं। ये दोनों मिला के 50 नंबर्स का आपको मिनिमम स्कोर करना ही करना है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि अच्छा पहला जो पार्ट होगा वो 1 घंटे का होगा। 1 घंटे का आप लोग एक काम करिए, आप निलेट की साइट खोलिए और उसमें पिछले क्वेश्चन पेपर्स आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। निलेट ओ पेपर, ओ लेवल पेपर्स या लिख दीजिए या कुछ भी इस तरह का डाल दीजिए, आपको बड़े आराम से इसकी ये बीटा वर्जन वाली साइट मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, कुछ पुराने पेपर्स, तो इस पर आपको बहुत अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। और इसमें आप लोगों को वो सारा टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से पता चल जाएंगी। जैसे मैंने इंटरनेट प्रोग्रामिंग का एक पेपर देख लिया, अब आपको इसमें देखिए साफ साफ इसमें दिया गया है कि पेपर कितने घंटे का है और किस पार्ट से बना हुआ है। ये पहले से लेके जाइएगा, बुकलेट आपको वापस मिलेगी, घर पे आप ला सकेंगे। अब पेपर को एक इंग्लिश में दिया है और एक हिंदी में दिया है, आपको इसके लिए ओमार शीट मिलेगी। आप वहाँ पर ओमार शीट में आप अपना नाम, रोल नंबर वगैरह सब भरेंगे और फिर आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। दूसरी चीज़ है, आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा ये पहले का पहला पार्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपने ये पार्ट जल्दी कर लिया, मान लीजिए आपने ये पार्ट 40 मिनट में कर दिया, तो वो 10 मिनट जो आपके बचते हैं वो पार्ट 2 के लिए आप यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करें उतना ही अच्छा है। देखिए पार्ट 2 उसके बाद यहाँ से शुरू होता है और ये 60 नंबर का होगा आपको। और इसमें भी एक ऑप्शन होगा कि आप लोग ले सकते हैं, कहीं कहीं पे पार्ट्स में ABC करके भी रहता है और पूरा पूरा एक क्वेश्चन का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन करने का पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन करने हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि आपके क्वेश्चन में व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजीज, लिस्ट ऑल टोपोलॉजीज, एक्सप्लेन एनी 3। तो आप लोग इसके लिए पैराज वाइज मत बनाइए, आपको मैं पॉइंट्स वाइज बता रहा हूँ। जैसे नेटवर्क टोपोलॉजीज जब शुरू करेंगे तो आपने अपनी कॉपीज़ में लाड़ लिया नेटवर्क टोपोलॉजीज। अब नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को पहले डिफाइन करिए स्टेप बाई स्टेप। आपने इस तरीके से पूरा डिफाइन कर दिया कि नेटवर्क टोपोलॉजीज एक ऐसा मेथड है जिससे कि आप कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं वेरियस तरीके से। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम इंग्लिश में करना चाह रहे हैं, तो इंग्लिश में दीजिए, दैट इज़ ओके। कुछ कहते हैं हिंदी और कुछ कहते हैं मिक्स। लेकिन मिक्स वाले बच्चे याद रखिएगा कि आप लोगों का मिक्स वही वर्ड होने चाहिए जो कि इंग्लिश के हैं। अब जैसे नेटवर्क है तो नेटवर्क वर्ड इंग्लिश में है तो आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन टोपोलॉजीज है वो इंग्लिश में है तो लिख सकते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको हिंदी में ही लिखनी है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है वो है डायग्राम्स। मैंने देखा है कुछ बच्चे थ्योरीज बिल्कुल कम लिखते हैं लेकिन डायग्राम्स बहुत अच्छे से बनाते हैं। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ डायग्राम के बिहाफ में पास हुए हैं। तो डायग्राम्स आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बनाना है। एक क्वेश्चन में एक डायग्राम तो ज़रूर बनाइए, कैसा भी इमेजिन करके किस तरह का एक डायग्राम्स ज़रूर दीजिए। और उसके साथ साथ पैराज मत लिखिए, लंबे लंबी कहानी मत लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए। अब जैसे नेटवर्क टोपोलॉजीज में आपने समझाना शुरू किया स्टार टोपोलॉजीज, अब स्टार टोपोलॉजीज का पहले आपने एक डायग्राम बना दिया यहाँ पे और उसमें आपने एक्सप्लेन भी कर दिया कि हाँ ये स्टार टोपोलॉजीज़ है, ये सर्वर है, ये आपके क्लाइंट्स हैं। और उसके बाद फिर आपने इसके एडवांटेजेस लिखना शुरू किए। अब 1, 2, 3 करके आप ऐसे एक्सप्लेन करिए जैसे कि आपको पूरे मिलेगा। जिसने मेरे से नोट्स लिए हैं तो मैंने एक PDF फाइल दी गई होगी इंग्लिश वाली, उसमें देखिएगा पूरे स्टेप बाई स्टेप्स मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, और यही सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल भी जाएंगी। तो आप ऐसे लिखिए, ये क्वेश्चंस के नंबर्स अच्छे मिलते हैं आपको, और यही आपके लिए सजेशन भी है, यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो आप लोगों के लिए मैंने मैक्सिमम बता दिया जो आपको ध्यान देना है। लास्ट समय है, जितना भी आप जल्दी से जल्दी कर लें, जितना अच्छा से कर लें, वही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसीलिए आप क्वेश्चंस को छोड़िएगा नहीं, सब करके तो आइएगा आइएगा। ओके, होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक अभी भी कोई डाउट्स हैं तो इस वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट करिएगा, और अगर आपको नोट्स लेने हैं या कुछ भी आपको कोई इससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर सभी वीडियोज़ में लिखा रहता है, वरना आप लोगों को मैं इस पर भी मार्क कर देता हूँ, 9616175637।
90 आप लोग मेरे को इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कभी कभार मैं लेट हो व्हाट्सअप का रिप्लाई देता हूँ, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज थोड़ा सा रश और बिजीनेस रहती है, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको। ओके, गुड बाय, बाय बाय।